कैसे आप सब? आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में भी बॉलीवुड के कुछ न्यू अपडेट के बारे में हम बात करने वाले। जैसे आप लोगों को पता है, सुनील गावस्कर विराट और अनुष्का लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ गया था, और उसके बारे में कंगना ने थोड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा वो बताने वाला हूँ। एंड करण जौहर, इस बार उन्होंने भी ड्रग्स मामले में क्या शामिल है? खबर यह आ रहा है कि करण जौहर को भी एनसीबी ने सामान भेज सकता है। हाँ जी दोस्त, तो उसके बारे में भी करण जौहर ने कुछ रिएक्ट किया। एंड फाइनली सुशांत सिंह राजपूत की बहन कृति सिंह, उन्होंने कैलिफोर्निया पे सुशांत सिंह का एक बैनर लेके प्रमोटिंग किया, उसका वीडियो भी खूब वायरल होने लगा है, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल में पहली बार है तो एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, उसकी चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी पूरी फिल्मी दुनिया की हर खबरें, न्यू गॉसिप्स मैं कवर करता हूँ। तो एक ही सब्सक्राइब दबाना है, दबा दो, और पूरी फिल्मी दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहो। सो लेट्स टॉक अबाउट सुनील गावस्कर। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि कैसी तरह से सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को वो कैच छोड़ते हुए देखने के बाद ट्रोल किया था। कल जब चेन्नई सुपर किंग्स का मैच भी चल रहा था, उन्होंने सॉरी बोला था, और ये लेके सोशल मीडिया में काफी ट्रोल वगैरह भी हो रहे हैं। और कंगना रनौत ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, जहाँ पे कंगना ने सपोर्ट भी किया है और थोड़ा इंसल्ट भी किया है। उन्होंने ट्विटर में ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, अनुष्का रिमाइंडर क्वाइट व्हेन आई ट्रीटेड एंड कॉलिंग हरामखोर, बट टुडे द सेम मिसोलॉजी कमिंग टू बाइट हर। आई कंडेम द फैक्ट दैट शी वाज ड्रग इन द क्रिकेट बाय सुनील गावस्कर, बट सिलेक्टिव फेमिनिज्म इज क्वेली अनकूल। तो यहाँ पे कंगना रनौत ने बोला, जब कंगना को धमका गया था मुंबई सरकार ने, तब अनुष्का शर्मा चुप था, लेकिन वही जब अनुष्का के ऊपर आया सुनील गावस्कर अनुष्का लेके भी बोला, तब अनुष्का ने आवाज उठाया, और लास्ट में उन्होंने ये कहा क्वेली अनकूल। तो वही दोस्तों, कंगना ने बोला, जब उसका घर तोड़ा तब ये सब फेमिनिज्म वाले था कहाँ, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आया था। तो कंगना ने उसके ऊपर ही एक रिएक्ट किया। चलिए अपने एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ा खबर सामने आ रहा है, इस बार करण जौहर को भी एनसीबी ने सामान भेज सकता है, उनको पूछताछ के लिए भी बुला सकता है एनसीबी। वो ड्रग्स का जो पार्टी का वीडियो था जो काफी वायरल हुआ था, और उसके बाद ही करण जौहर कुछ चीजें बोला इसके ऊपर। तो करण ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बोला कि ये जितने सारे आरोप उसके ऊपर लगा रहा है ये सब गलत है। उन्होंने श्रीकांत रवि प्रसाद अनुभव चोपड़ा का जो कनेक्शन नहीं है उसके ऊपर भी उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने ट्विटर में ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, काफी न्यूज चैनल सोशल मीडिया काफी जगह पे ये गलत खबर फैल रहा है कि मैं 28 जुलाई 2019 को मेरे घर पे कोई ड्रग्स पार्टी नहीं किया था। हाँ, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उसमें कोई ड्रग्स वगैरह था नहीं। मेरे ऊपर लगाए सारे आरोप निराधार है, उस पार्टी का कोई ड्रग्स नहीं सेवन किया था। ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया था, और ड्रग्स को कभी मैंने बढ़ावा भी नहीं दिया था। सोशल मीडिया भी ये भी खबर स्प्रेड हो रहा है कि सतीश प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे साथ काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और अगर कोई प्राइवेट लाइफ में कुछ करता है तो उससे धर्म प्रोडक्शन के कोई हाथ, ये कैसे साबित कर सकते हो आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुभव चोपड़ा धर्म की कोई स्टाफ नहीं है, वो हमारे प्रोडक्शन के साथ बस 2 महीने हुआ जुड़े हुए। नवंबर 2019 में सतीश प्रसाद धर्म प्रोडक्शन की दूसरी कंपनी जो कि धर्म एंटरटेनमेंट, उसके साथ जुड़े हुए। मीडिया हमारे खिलाफ गलत आरोप लगा रहा है, मैं इसी गलत आरोप के लिए कानूनी तौर पर कार्रवाई करूंगा। लेट्स सी और क्या क्या अपडेट आएगा, अगर कोई रिलेटेड खबर आएगा तो मैं जरूर कवर करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत केस में उसका ही छोटा बहन श्वेता सिंह कृति इस बार प्रमोटिंग करने के लिए कैलिफोर्निया में सत्याग्रह फॉर सुशांत सिंह राजपूत लेके एक बैनर लगाया, जहाँ पे वो प्रमोटिंग कर रहा है, सुशांत सिंह की जस्टिस मांग रहा है। इसके आगे भी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिया था, वही ऐसी तरीके से रास्ते के बगल में सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस मांगने के लिए कुछ लोग खड़ा हुआ था, और इस बार कैलिफोर्निया में उसका खुद का बहन श्वेता सिंह नजर आया। वो वीडियो खूब वायरल होने लगा है। तो कैसा लगा बॉलीवुड की न्यू गॉसिप सुन के, जरूर बताना आपका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में, और बनी रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए फिल्मी गाइड। टेक केयर, बाय बाय।